पृथ्वी देवी और आदित्य सूर्य के उत्पन्न होने पर भी सृष्टि अपूर्ण क्यों थी माता? तेरी दृष्टि में ही तेरे प्रश्न का उत्तर निहित है रे। देख देख अपने चारों ओर तुझे क्या दिखाई दे रहा है रे। माता मुझे दिखाई दे रहे हैं ये नदी, ये झरने, ये वृक्ष, ये पौधे आदि। हाँ, उचित कहा तूने। ये है प्रकृति और उसका संपूर्ण विस्तार, उसकी भव्य विशालता। पृथ्वी पर फल उत्पन्न करने वाले वृक्षों की, अनाज उत्पन्न करने वाले पौधों की आवश्यकता थी, तभी तो उसमें जीवन फल सकता था ना। अर्थात प्रकृति का प्रकट होना भी तो आवश्यक था ना। प्रिय, अब सृष्टि के विकास का समय आ गया है। जीवन के संचार के लिए पृथ्वी को प्रकृति की आवश्यकता है। सूर्य की अति ऊर्जा का तो निरंतर विस्तार हो रहा था, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हो उठी थी। उन सूर्य का सृजन करने वाली देवी तारा और प्रभु अक्षोभ की असीमित आंतरिक ऊर्जा का तो अनुमान लगाना भी कठिन है रे। देवी तारा रूप में मेरी ऊर्जा से कदाचित प्रकृति भस्म हो सकती थी, इसीलिए प्रकृति के सृजन के लिए मुझे शीतल होना ही था। और तब मैंने धारण किया अपना अगला महाविद्या स्वरूप, देवी षोडशी। और तब महादेव ने लिया पंच वक्त्र शिव का रूप। इस रूप में महादेव के पांच मुखों के नाम है तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। उनके संकेत पर आदित्य सूर्य ने अपनी ऊर्जा का संपादन किया, जो देवी षोडशी के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची और जीवन का बीज अंकुरित हुआ और फलने फूलने लगा। फिर उनकी कृपा से और उनकी निगरानी में प्रकृति का विस्तार हुआ। खिलने लगे और उनके साथ वन्य जीवों में भी प्राणों का संचार हुआ और प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में जीवन का आधार बनी। इस प्रकार मेरी महाविद्या के तृतीय देवी षोडशी के स्वरूप में मैंने और महादेव ने पृथ्वी पर प्रकृति को आरंभित रूप दिया। We'll be right back.
बाल व्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्य प्रदाम भारतिम ईशत फुल्ल मुखाम्बुजस्मित करे राशा भवान्दापहाम पाशं साभय मंकुशं च वरदम संविप्र। कितनी अनुपम दिव्यता है माँ षोडशी की, कितना भव्य सौंदर्य है माँ का। भक्त्या भजे षोडशीम। इतने समय के पश्चात माँ के मुख पर ये सुंदर मुस्कुराहट देखकर हम सभी कृतार्थ हो गए। जो मेरे इस रूप की पूजा करते हैं वो सर्व सिद्धियां संपन्न हो जाते हैं, कोई भी दुख उनके निकट नहीं आता। बाल व्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्य प्रदाम भारतिम ईशत फुल्ल मुखाम्बुजस्मित करे राशा भवान्दापहाम पाशं साभय मंकुशं च वरदम संविव्रतिं भूतिदा ब्राजन्तिं चतुरं वजाकृतिकरे भक्त्या भजे षोडशीम्। बोल, अभी भी तेरे मन में कोई भी शंका कोई भी जिज्ञासा जन्म ले रही है क्या? हाँ माता, अब तो संसार पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी, सूर्य, जल, प्रकृति सब उत्पन्न हो चुके थे। अपना प्रश्न अधूरा मत छोड़ गणेश, जो भी मन में है व्यक्त कर। पूछ 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 रे, क्या पूछना चाहता है? माता, ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, पृथ्वी माता, सूर्य देव सब आपकी ही लीला से उत्पन्न हुए हैं, किंतु देवगण जैसे देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव और ऋषिगण जैसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि मार्कंडे, इनका अस्तित्व तो कैसे प्रकट हुआ माता? बुद्धि में तो तू श्रेष्ठ है गणेश, प्रश्न भी तू उत्तम ही पूछता है रे। तो अब मेरा उत्तर सुन गणेश, सृष्टि आरंभ हो चुकी थी इसीलिए अब देवताओं का जन्म भी आवश्यक था। मेरे आदेश से ब्रह्मदेव ने अपनी मानस संतानों को जन्म दिया, धर्म, रुद्र, सनत, सनातन, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगीरस, अंगीरा, पुलस्त्य, क्रतु, कश्यप, सनत कुमार, रुद्धि, प्रता, वशिष्ठ एवं नारद की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के द्वारा बहिर्शत, अग्निश्वात, कव्याद, आज्यप, सुकालीन, उपहुत और दिव्य नामक पृथ्वीगणों का भी प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उसने अपने बाएं अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया। किंतु ब्रह्मदेव की मानव संतान ने वृक्ष बीज अर्थात वंश वृद्धि करने में असमर्थ थी, इसीलिए सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजनन की आवश्यकता थी। और यह प्रजनन शक्ति संसार को देने की क्षमता ब्रह्मदेव में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरी और महादेव की स्तुति आरंभ की। उस समय शिव और शक्ति संयुक्त थे, अर्ध नारेश्वर रूप में ही थे। स्तुति से प्रसन्न हुए।
प्रभु शिव, माता शक्ति, मेरे द्वारा जिन जीवों का सृजन हुआ है उनकी संतानें उत्पन्न हो सकें, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। पर यह तभी संभव है जब प्रकृति शिव से पृथक हो और ऐसे स्त्री पुरुष का जन्म हो जिनसे मैथुनी शक्ति का आरंभ हो सके। यदि सृष्टि के आरंभ और उसकी भलाई के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना होगा तो ऐसा ही होगा। शक्ति एक दूसरे से विलग हो गए और उनसे एक पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ। उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुए थे वो मनु थे और स्त्री थी शत्रुपा। उन दोनों से प्रियवत और उत्पानपाद नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ और आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक तीन कन्याएं भी हुई। और फिर उनकी इन संतानों का विवाह ब्रह्मदेव की मानस संतानों से हुआ और उनसे मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संतानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का आरंभ हुआ और सृष्टि का विस्तार होने लगा। दक्ष और प्रसूति से मैथुनी क्रिया द्वारा अनेकों संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ। प्रजापति कश्यप और दक्ष की कन्याओं से देवता, असुर, दानव, अश्व, गंधर्व, राक्षस, वृक्ष, अप्सरा, सर्प और नाग, गौ, भैंस, श्वापद अर्थात हिंसक जीव, श्वेन अर्थात गिद आदि जीव, यादवगण अर्थात जलचर जीव, गरुड़ और अरुण, पतंग और शलभ आदि का जन्म हुआ। इन्हीं से संसार की समस्त प्रजातियों का जन्म हुआ। माता, अब तो सृष्टि पूर्ण हो गई थी। प्रकृति, जीव, जंतु, देव, गंधर्व, यक्ष आदि सभी उत्पन्न हो चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्त जीवन के लिए पृथ्वी भी थी। नहीं रे, मात्र एक पृथ्वी से संसार की रचना नहीं होती रे गणेश। बता मुझे, कौन है जो पृथ्वी पर निवास करता है? जीव जंतु और पुरुष माता। और अन्य सभी, उनका क्या स्थान है रे? सभी देव तो अपने अपने लोक में विराजमान रहते हैं। और अन्य सभी भी माता? और अन्य सभी अपने अपने भुवन में रहते हैं और उन भुवनों की उत्पत्ति के लिए मेरी चतुर्थ महाविद्या स्वरूप देवी भुवनेश्वरी की कथा मैं अब कहूंगी। देवी भुवनेश्वरी? मेरी महाविद्या का चतुर्थ स्वरूप देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की ईश्वरी है। हम संपूर्ण ब्रह्मांड की हम ही जन्मदाता हैं। ब्रह्मांड हमसे ही उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही समाहित होता है। मैं ही उसकी रक्षा करती हूँ। जब मैं अपने भुवनेश्वरी रूप में प्रकट होती तो महादेव अपना त्रयंबक रूप धारण करते हैं। प्रिय,
अभी समय आ गया है अपनी भुवनों का निर्माण कर सभी देवताओं, ऋषिगण, अन्य सभी प्राणियों को अपने अपने भुवनों पर निर्धारित करें। निवास करते उस सत्य लोक का आविर्भाव हुआ। ये समस्त लोकों में सर्वोच्च लोक है, जहां के वासी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। फिर तप लोक प्रस्तुत हुआ, जहां शरीर रहित पुण्य आत्माओं का वास है। जो इस लोक में वास करते वो अपने सत्य लोक प्रस्थान की प्रतीक में रहते। फिर ज्ञान लोक प्रस्तुत हुआ, जहां जिज्ञासा से परिपूर्ण तपस्वी वास करते हैं। उसके पश्चात महरलोक का आविर्भाव हुआ, जहां तप की पराकाष्ठा के उपरांत ऋषियों मुनियों को स्थान प्राप्त होता है। जो ऋषि यहां निवास करते हैं उनकी शक्तियां देवताओं की शक्तियों के समान होती, इसीलिए इस लोक में सप्त ऋषियों का वास होता है। फिर इस कर्म में आनंद लोक अर्थात स्वर्ग लोक आता है। जो देवताओं और उत्तम पुण्य कर्म करने वालों का निवास है, जिसके बाद भुवर लोक है, जहां सूर्य देव और अन्य नवग्रह स्थित है। मनुष्यों और मृत्यु लोक के अन्य प्राणियों के लिए भूलोक है। माता, आपने जितने भी लोगों का निर्माण किया वो तो सात्विक और सद्गुण स्वभाव के प्राणियों के लिए किया, किंतु उनका क्या? जिनका स्वभाव ही तामसिक है उनका निवास कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे वो? फिर भूमि के नीचे के लोग प्रकट हुए, इसमें सर्वप्रथम है अतल लोक। ये भोग विलास का लोक है, भूमि की समस्त धन संपदा यही संचित रहती है। फिर वितल लोक है, जहां भूमिगत जीव स्वर्ण आदि का खनन करने हेतु निवास करते हैं। अतल लोक के समान वितल लोक भी भौतिक संपत्ति पर केंद्रित लोक है। फिर असुर राजा बलि द्वारा सुतल लोक का आविर्भाव हुआ, Thank you.
लोक की उत्पत्ति हुई। फिर उसके नीचे महातल उत्पन्न हुआ, यही नागलोक है, जहां नाग पुरुष और नाग कन्याओं का वास है। फिर उसके भी नीचे है दानवों और दैत्यों का लोक, रसातल। और सबसे नीचे पाताल लोक प्रकट हुआ, जहां नागराज वासुकी का निवास है। यही सभी अन्य भुवनों का आधार है। सब लोगों के बारे में तो हमें ज्ञात हो गया और सभी अपने अपने लोक में शांतिपूर्वक निवास भी करने लगे। तो फिर माता के अगले महाविद्या रूप का क्या उद्देश्य था? इस प्रकार मैंने ही अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में सभी भुवनों की रचना की और तत्पश्चात मैथुनी सृष्टि का आरंभ संभव हो सका। भुवनेश्वरी स्वरूप में मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही सभी भुवनों की स्थिरता प्रदान करती और उनमें बसे प्राणियों का पालन करती। सृष्टि के सभी जीव मेरी ही संतानें हैं, फिर वो मनुष्य हो अथवा सूक्ष्म जीवाणु, और मुझसे ही उन सभी जीवों का लालन पालन संभव है। मेरे इस रूप की साधना करने वाले साधक को सर्व सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन धान्य और संतान से परिपूर्ण होता है। धन धान्य वस्त्र आदि सभी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मेरी भक्ति करने वाले भय से मुक्त होकर निर्भयता से अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे इस रूप का बीज मंत्र ह्रिम में ही आधारित होता है और इस बीज मंत्र का जाप करने वाला भक्त स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अष्ट सिद्धि धर्म लक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूला पुकारा देवी पसानुगुसा विश्वधारिणी खड़गा खेड़ा दरा देवी घंटिणी चक्रधारिणी षोड़शी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी उद्यन्दिन्द्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। संसार का निर्माण किया रे मैंने, त्रिगुणों पर ही आधारित था मेरे द्वारा रचित संसार का अस्तित्व और प्रत्येक प्राणियों को उसका स्थान उसके कर्मों के अनुसार दिया गया, किंतु मेरे इस संसार में भी असंतुलन उत्पन्न हो ही गया। असंतुलन माता, किंतु आपके द्वारा रचित संसार में किसी दोष अथवा विकार का स्थान कहाँ था? वो तो निर्विकार और दोष रहित होना चाहिए था। फिर उसमें असंतुलन आने की संभावना कहाँ थी माता? त्रिगुण अर्थात सतो रजो और तमो अर्थात सात्विक राजसिक और तामसिक
आधारभूत गुण थे मेरे संसार के, इसीलिए उसमें बसे प्राणियों में भी ये तीनों गुण प्रस्तुत थे। देवता, ऋषि मुनि, दिव्यात्मा, मनुष्य, निरी प्राणी, असुर, दानव, दैत्य, सभी मेरे इसी संसार के वासी थे। इसीलिए असंतुलन का आरंभ तब हुआ जब तामसी प्रवृत्ति की अधिकता से प्रभावित असुरों की लालसा में वृद्धि होने लगी। वो अन्य लोगों को लालच की दृष्टि से देखने लगे, मुख्य रूप से पृथ्वी को। रुको, क्या हुआ? रुक क्यों गए? हमें शीघ्र ही अपने निवास की तरफ चलना चाहिए, जिससे हमारी स्त्रियां इस आखेट को पका सके। भूख लगी है हमें, शीघ्रता करो, चलो आगे बढ़ो। कब तक भटकते रहेंगे हम इस प्रकार? आखेट ढूंढने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कब तक करना होगा परिश्रम? यूं ही कब तक का क्या अर्थ है? यह हमारा लोक है और यहाँ का यही नियम है। जब तक जीवित रहेंगे हम यही रहेंगे और इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। उचित कहा तुमने, ये लोक हमारा है, पर वो लोक, वो भी तो हमारा हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो पृथ्वी लोक है, हम वहां नहीं जा सकते, हमारा वहां जाना निषेध है। मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा मैं। मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है, मुझे पृथ्वी लोक को पाना है। माता, कौन था ये असुर जो आपके संसार के नियम भंग करने का दुस्साहस करने का इच्छुक था? असुरराज दारु, असुरराज दारु, असुरराज दारु। तब तो आपने अवश्य उस असुर दारु को दंडित किया होगा ना माता? नहीं गणेश, मैंने उसकी रक्षा की। माँ ने रक्षा की उस दुष्ट असुर की? ये क्या कह रही हैं माता? उसे तो कठोर दंड का भागी होना चाहिए था। आपने उस असुर को उसके अपराध का दंड क्यों नहीं दिया माता? और उसकी रक्षा क्यों की आपने? क्यों माँ, क्यों किया आपने उसकी रक्षा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किंतु माता को रुष्ट किए बिना। सत्य थारे, दारुक की लालच भरी दृष्टि पृथ्वी पर थी, क्योंकि फल, पुष्प, अनाज, आहार आदि से परिपूर्ण पृथ्वी सौंदर्य रूपिणी थी। इस संपदा का अधिकार जो अभी तक पृथ्वीवासियों के पास था, उसे पाना चाहता था दारु। किंतु माता, इसमें क्या अपराध हुआ उससे? क्योंकि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तो सभी को अधिकार है। अधिकार अवश्य है, किंतु किस मूल्य पर गणेश? दूसरों के अधिकारों को छीन कर कुछ प्राप्त करना उचित नहीं। दारु पृथ्वी का आधिपत्य चाहता था, जिससे वो सभी ऋषि मुनियों अथवा ग्रामीण मनुष्यों को अपना दास और आहार बना सके, अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाकर अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता गणेश। तो माता, ये सब ज्ञात होने पर भी आपने उसकी रक्षा की? हाँ, रक्षा की मैंने उसकी, क्योंकि मैं विवश थी।
विवश थी माता? कैसे? इतनी सामर्थ्य किसमें है जो आपको विवश कर सके? क्या कारण था आपकी विवशता का माता? दारुका, दारुक की पत्नी दारुका थी मेरी विवशता का कारण। आदि शक्ति हूँ मैं, किंतु जगत जननी भी तो मैं ही हूँ। चर अचर समस्त जीवों की माँ मैं ही हूँ। और फिर अपनी किसी भी संतान को कष्ट में देखकर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी गणेश? माता किस पीड़ा की बात कर रही है? मेरी बहुत महान भक्त थी दारुक की पत्नी दारुका, जिसने मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी कठोर तपस्या की। तब मैं ही अपने आदि शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त थी। आदि शक्ति नमो नमः। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए। इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपने अपनी इस भक्तिन को अपने दर्शन सुख से वंचित रखा माता। मेरे प्रति कठोर रहकर मेरी परीक्षा ले रही है माता, तो उचित है अब आप भी मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखेंगी माता। शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आसुरी थी दारुका, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव था उस पर, इसीलिए उसने कठोरतम भक्ति मार्ग अपनाया था। स्वयं को कष्ट पहुंचा रही थी वो। आदि शक्ति मुझे उसके तप से विवश होकर उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। पुत्री दारुका, पुत्री दारुका, पुत्री दारुका। माता, माता आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए, ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ, क्योंकि माता हम असुर सभी आनंद प्राप्ति के सुख सुविधाओं से वंचित है, इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांग कर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद।
अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य, अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे, और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ, इसीलिए जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु, कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया, तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, वन दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारुक और भी पाना चाहता था, और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। असुर श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। माता के वरदान का अनुचित लाभ उठाना कहीं पृथ्वीवासियों को संकट में ना डाल दे। वरदान और आशीर्वाद कल्याण और दूसरों की सहायता के लिए होता है, ना कि दुरुपयोग के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.